आज कुछ नया है इन हवाओं की सरसराहट में, आज कुछ नया है इन हवाओं की सरसराहट में, बहुत शोर है इन फिजाओं की आहट में। आज कुछ नया है इन हवाओं की सरसराहट में, बहुत शोर है फिजाओं की आहट में, और लगता है जिंदगी नया मोड़ लेने वाली है, और लगता है जिंदगी नया मोड़ लेने वाली है। बहुत इशारे हैं उनकी मुस्कुराहट में, आज कुछ नया है। जहन में एक बात बार बार आती है कि क्यों उसकी याद हर बार आती है। जहन में एक बात बार बार आती है कि क्यों उसकी याद हर बार आती है। मशरूफियत में जिंदगी की भरम होता है उसे भूल जाने का, मशरूफियत में जिंदगी की भरम होता है उसे भूल जाने का, क्यों भरम तोड़ने ये रात हर बार आती है। जहन में एक बात बार बार आती है। अगला शेर कुछ इस तरह, जरा संभल कर तूफान आने वाला है, जरा संभल कर तूफान आने वाला है। अभिषेक भाई, अगली ही गली में उनका मकान आने वाला है। जरा संभल कर तूफान आने वाला है, अगली ही गली में उनका मकान आने वाला है। जरा धीरे करो मेरे यार मेरे जनाजे को, कि आई है वो भी आज खिड़की पर, कि जरा धीरे करो मेरे यार मेरे जनाजे को, कि आई है वो भी आज खिड़की पर। जीते जी ना सही तो मरने के बाद ये मुकाम आने वाला है। जरा संभल कर तूफान आने वाला है। चलिए एक शेर और सुनाते हैं। राहत इंदौरी साहब को कौन कौन जानता है, तो खुश नसीबी हमारी रही कि जीवन का एक शेर राहत इंदौरी साहब द्वारा लाइक किया गया था हमारा। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी, इसलिए हम उसको बड़े गर्व से सुनाते हैं उस शेर को, कि यूं ही मेरी हर ख्वाहिशों का इंतकाल नहीं होता, यूं ही मेरी हर ख्वाहिशों का इंतकाल नहीं होता, तेरे सिवा अब इस दिल में कोई सवाल नहीं होता। यूं ही मेरी हर ख्वाहिशों का इंतकाल नहीं होता, तेरे सिवा इस दिल में अब कोई सवाल नहीं होता। तारीखें बदलती हैं अब तो जमाने की, तारीखें बदलती हैं अब तो जमाने की, पर तेरे बिना मेरा कोई नया साल नहीं होता। चलिए एक और, लगता है बोर हो रहे हैं तो एक आखिरी सुनाते हैं, उसके बाद जोन चेंज करेंगे अपन। दर्द वाले लगता है सब, यहाँ मोहब्बत सबकी मुकम्मल है, जितने बैठे हैं उस भाई को छोड़ के बस एंजॉय वही कर रहा है। तो भाई जाकर एक और शेर सुनाते हैं आपको। जिंदगी भर से नदारत चेहरे, जिंदगी भर से नदारत चेहरे भी आज रो रहे हैं। जिंदगी सुबह सुनिएगा इसको बड़ी गहराई, जिंदगी भर से नदारत चेहरे आज रो रहे हैं, कितने अनजान कंधे मेरे जनाजे को ढो रहे हैं। जिंदगी भर से नदारत चेहरे भी आज रो रहे हैं, कितने अनजान कंधे मेरे जनाजे को ढो रहे हैं। शोर है शहर भर में कि आई है वो भी मेरी अंतिम विदा में शरीक होंगी, शोर है शहर भर में कि आई है वो भी मेरी अंतिम विदा में शरीक होने, अब लौटने से क्या जब हम मिट्टी में दफन हो रहे हैं। अब अपने लव्ड वन को याद कीजिए, जिनके लॉन्ग डिस्टेंस है वो ज्यादा याद कीजिए। दर्द का आखिरी शेर सुना रहा हूं मैं, कि बाकायदा है दर्द, बाकायदा है दर्द रूह दहलाने के लिए, बाकायदा है दर्द रूह दहलाने के लिए, चेहरे बहुत हैं यहाँ दिल बहलाने के लिए। बाकायदा है दर्द रूह दहलाने के लिए, चेहरे बहुत हैं यहाँ दिल बहलाने के लिए, और एक तू नहीं तो कुछ भी नहीं यहाँ अपना मेरा, एक तू नहीं तो कुछ भी नहीं यहाँ अपना मेरा, लोग तो बहुत हैं यहाँ अपने कहलाने के लिए, बाकायदा है दर्द रूह दहलाने के लिए। चलिए अब आते हैं किस पे, क्या करें, दर्द के बाद मोटिवेशन कर लेते हैं, है ना। तो मोटिवेशन का एक ही शेर सुनाता हूँ, काफी होगा। कबीर को सबने सुना है, आज करे सो काल कर, काल करे सो आज का, उसी तर्ज पे एक है कि महफिलें दुनिया के अंदाज बदल रहे हैं, महफिलें दुनिया के अंदाज बदल रहे हैं, देखो लोगों के हमराज बदल रहे हैं। महफिलें दुनिया के अंदाज बदल रहे हैं, लोगों के हमराज बदल रहे हैं, कुछ ना समझ, आज सब यहाँ जो सुनाने आए थे उनके लिए, कुछ ना समझ बैठे हैं कल के इंतजार में, कुछ ना समझ बैठे हैं कल के इंतजार में, कुछ समझदार अपना आज बदल रहे हैं। वादे कर रहा था कोई आज फिर चौराहे पर, वादे कर रहा था आज फिर कोई चौराहे पर, कि बदलाव होने वाले हैं,
वादे कर रहा था आज फिर कोई चौराहे पर कि बदलाव होने वाले हैं, गरीब की रोटियों के कम अब भाव होने वाले हैं। पहले मैं चौंका, फिर सोचा, फिर कहा अपने साथी से। यार पता तो करो क्या चुनाव होने वाले हैं। अब एक शेर आखिरी, राजनीति का और ज्यादा लिखा नहीं अपन ने भाई, जबलपुर में रहते हैं, यहाँ राजनीति बहुत अच्छी होती है। तो दूसरा शेर ये है कि लिख दूं कोई अमर दास्तां, कोई कलमकार थोड़ी हूं, लिख दूं कोई अमर दास्तां, कोई कलमकार थोड़ी हूं, जुमलों में ही बिता दूं जिंदगी इतना बेकार थोड़ी हूं। लिख दूं कोई अमर दास्तां, कोई कलमकार थोड़ी हूं, जुमलों में ही बिता दूं जिंदगी इतना बेकार थोड़ी हूं, जुमलों में बिता दूं जिंदगी इतना बेकार थोड़ी हूं, और घर किया है वादा निभाने का तो निभाऊंगा मेरे दोस्त, घर किया है मैंने वादा निभाने का तो निभाऊंगा मेरे दोस्त, वादे करके मुकर जाऊं कोई सरकार थोड़ी। अब पाकिस्तान से बहुत गहरी मोहब्बत है हमारे देश को वैसे भी, तो एक शेर लिखा था अंकित भाई, ये आपके नजर करते हैं शेर को यहां से, कि लकीर के सोते हुए को मारने वाले, उड़ी अटक सोते हुए को मारने वाले भी ख्वाब मांगने लगे हैं, सोते हुए को मारने वाले भी ख्वाब मांगने लगे हैं, लकीर के उस पार वाले भी जवाब मांगने लगे हैं, सोते हुए को मारने वाले भी ख्वाब मांगने लगे हैं, लकीर के उस पार वाले भी जवाब मांगने लगे हैं। गुस्ताखी देखिए, गुस्ताखी देखिए, कश्मीर चाहिए है इनको, गुस्ताखी देखिए, कश्मीर चाहिए इनको, भिखारी भी आजकल जवाब मांगने लगे हैं। एक हमारे वैभव भाई की पिछले बार बहुत पसंद आई थी, वैभव ये नजर आपके लिए, कि पूछा है किसी ने आज हमसे, पूछा है एक सवाल किसी ने आज हमसे, ये सवाल उसके दिल में बहुत पहले से होगा, बहुत ब्रांड की पैरवी करते हो साहब, तब क्या करोगे जब कफन पर ब्रांड ना होगा। एक सवाल पूछा है किसी ने आज हमसे, कि ये सवाल उसके दिल में बहुत पहले से होगा, कि बहुत ब्रांड की पैरवी करते हो साहब, तब क्या करोगे जब कफन पर ब्रांड ना होगा। हमने कुछ सोचा, मुस्कुराया और जवाब दिया उसको, हमारा कफन भी ब्रांडेड होगा चंगा होगा, हमारा कफन भी ब्रांडेड होगा चंगा होगा, सफेद लिबास में ना लिपटेंगे हम, हमारे तो जनाजे पर भी तिरंगा होगा। अब ये सब तो मैंने पूरे देश भर में सुना है, ये तो चलता रहता है। एक दो शेर की एक गजल है या नज्म कह लीजिए, मुझे आता नहीं है क्या है ये, पर लिख दी थी, तो ये मैंने अभी तक कहीं नहीं सुनाई है, तो आप लोग सुन लीजिए, पसंद आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, दर्दी वाली है भाई, ऐसे मत देखो, सुनाता हूँ, तो सब ध्यान दे लो, यहाँ पे सबके ध्यान यही है ना, अब सुनाते हैं। तोड़कर मुझको, लड़कियां ऑफेंड ना हो, आप तोड़कर मुझको मुस्कुराता हुआ कर लेना, कि तोड़कर मुझको बहुत मुस्कुराती होगी, तोड़कर मुझको तू बहुत मुस्कुराती होगी, टूटने के मेरे किस्से तू सबको सुनाती होगी, तोड़कर मुझको तू बहुत मुस्कुराती होगी, टूटने के मेरे किस्से तू सबको सुनाती होगी, शोर मेरी आहों का तेरे घर तक भी आता होगा, शोर मेरी आहों का तेरे घर तक भी आता होगा, ये हवाएं भी तुझको मेरी चीखें सुनाती होगी, तोड़ कर मुझको तू बहुत मुस्कुराती होगी। इसका अगला शेर आखिरी हूं, मेरा फेवरेट शेर, लास्ट की बोला है, बहुत गौर कीजिएगा। दिखाए थे जो ख्वाब मुझे, दिखाए थे जो ख्वाब मुझे, तू उसे भी दिखाती होगी, दिखाए थे जो ख्वाब मुझे, तू उसे भी दिखाती होगी, वही एक गाना तू उसे भी सुनाती होगी, दिखाए थे जो ख्वाब मुझे, तू उसे भी दिखाती होगी, वही एक गाना तू उसे भी सुनाती होगी। दो लाइन संभालिएगा, वही एक गाना तू उसे भी सुनाती होगी, रात भर करती होगी, रात भर करती होगी तू उससे मोहब्बत के वादे, रात भर करती होगी तू उससे मोहब्बत के वादे, सुबह नींद में थी ये कहकर फिर मर जाती होगी, तोड़ कर मुझको तू बहुत मुस्कुराती होगी। आखिरी शेर इस महफिल के नजर करता हूँ, इसके बाद आपको एक नजर करूंगा, ये मेरी पर्सनल ही है कि इसमें एक वर्ड आएगा मुखालिफ, मतलब होता है दुश्मन,
तो बेशक मुखालिफ हजार हैं, बेशक मेरे जमाने में मुखालिफ हजार हैं, बेशक मेरे जमाने में, पर हम भी लगे हैं अपनी शख्सियत बनाने में। मुखालिफ बेशक हजार हैं मेरे जमाने में, पर हम भी लगे हैं अपनी शख्सियत बनाने में। निकले हैं तो पहुंचेंगे तो जरूर, निकले हैं तो पहुंचेंगे तो जरूर, बस जरा वक्त लगेगा मंजिलों तक आने में, बस जरा वक्त लगेगा मंजिलों तक आने में। अब यहाँ पे जो शायर लोग बैठे हुए हैं आप लोग के लिए, शुक्ला जी क्या होता है पता है, बाहर कई लोग मिल जाते हैं, शायरी बनाना क्या बड़ी बात है क्या, तकिया कलाम तो मिलाना है कोई बड़ी चीज है। तो उन लोगों के लिए एक जवाब, आप लोग अगली आए तो आप ये सुना दीजिएगा उनको कि आशा नहीं होता, आशा नहीं होता यूं दर्दे दिल के कसीदे पढ़ना, शेर, आशा नहीं होता यूं दर्दे दिल के कसीदे पढ़ना, रूह कांप जाती है। आशा नहीं होता यूं दर्दे दिल के कसीदे पढ़ना, रूह कांप जाती है। कतरा कतरा लहू निकलता है इस दिल से हर शेर के साथ, कतरा कतरा लहू निकलता है इस दिल से हर शेर के साथ, तब जाकर एक गजल बन पाती है, तब जाकर एक गजल बन पाती है।